यही हूँ मैं। सो मैं आपको मिलती हूँ कुछ टाइम बाद। वेलकम टू माई व्लॉग। मैं आ गई हूँ अपनी डबिंग के लिए आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सरप्राइज एंड आई थॉट मैं अपनी व्लॉग की शुरुआत आज ऐसे करती हूँ सरप्राइज के साथ। एंड एज यू कैन सी मैं डबिंग स्टूडियो में हूँ, आपको थोड़ी सी झलक दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलूंगी डबिंग के बाद। सो गाइज, आपने मेरा शॉकिंग रिएक्शन देख ही लिया होगा जो सरप्राइज मुझे छोटू ने आके दिया है। आई कॉन्ट बिलीव दिस। एंड वैसे बार मुझे आगे बोलता है आपने देखा ये चोट लग गई, पर मुझे ये था 3 घंटे पेन लिया इसने रोते हुए। ये देखो क्यों? नहीं, क्या जरूरत थी? ये जरूरत थी बहुत दिन से, बट इतना प्यार देने फाइनली पूरा हुआ ये जरूरत और ये सपना। तो उसकी जरूरत थी नहीं, हमें पता है कि हमारा छोटू है, पता है सबका प्यारा छोटू है, इसकी जरूरत नहीं थी। सीरियसली मैं मुझे ना मेरे पसीने छूट गए देख के इसके, और एक थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। मैं कहा मैं क्या बोलूं अभी, मैं बहुत डर रहा था क्योंकि ये फोटो में मेरे पास था नहीं कोई क्लोज फोटो, बट मैंने ढूंढा और मुझे यही लग रहा था कि पसंद आएगा कि नहीं। अब बताओ, बहुत ज्यादा खूबसूरत बना है। ओह माय गॉड, भी बनाया है और बनाने वाले ने तो महेश, थैंक यू सो मच। एंड छोटू मैं तुम्हें क्या बोलूं, शैलेश यू रॉक स्टार। बहुत बड़ा दिल है भाई, बहुत बड़ा जिगर चाहिए इतना सारा पेन लेने के लिए। सीरियसली मेरे पास एक भी टैटू नहीं है, और ये देखो ये टैटू, ये इतना बड़ा टैटू लेके बैठा है। थैंक यू, मेरे पास स्पीचलेस। गॉड ब्लेस यू। बट ये आप जितने भी लोग देख रहे हैं ये कभी पर्सनली ट्राई मत करना, ये पर्सनल मेरी तरफ से है, ये प्यार है। ये इसने मुझे पता होता मैं रोक लेती इसको, मुझे बिल्कुल पता होता। मुझे पता था आप रोकोगे, डांट लगाती तो। बट हमारे लिए लाइफ में ना आप लोगों का प्यार ही बहुत रहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस साथ में खड़े रहें। और ये इसके लिए तो मैं क्या ही, जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। छोटू कुछ क्या कर दिया है? नहीं हाँ। मैं क्यों किया हूँ क्योंकि मुझे मैं फोन पे भी अभी मैं वो ऊपर जो वॉलपेपर होता है मैं आप दोनों का ही लगाने वाला था, तो मैं बोला उससे अच्छा मैं हमेशा दिखूं और हमेशा आप लोग दिखो, तो मैं बोला कि ये करा लूं मैं। हाँ, पहला टैटू मुझे कोई शौक नहीं था, बस ये एक प्यार है, छोटा सा प्यार है, ये भी बहुत छोटा प्यार है, कभी नहीं भूलेंगे। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्यार, छोटा प्यार कभी नहीं भूलेंगे। ये तो तुमने बहुत ज्यादा स्पेशल फील करा दिया। जो कुछ नहीं, अब जो पेन हो रहा है वो मिल गया। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, ये था अचानक से सरप्राइज। मैं अभी भी सिंगिंग कर रही हूँ। चलो चलो बाय। ये फर्स्ट टाइम घर पे आया और ये सरप्राइज दिया इसने ऐसे। मुझे मिलना है आपसे, मुझे मिलना है। थैंक यू लॉट्स ऑफ लव। चलो चलो ध्यान रखो अपना, ठीक है? ये देखिए, तो मैं मिलती हूँ आपको डबिंग स्टूडियो में, अपने आपसे दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ। मिलते हैं वहाँ। I'm so sorry. Still dubbing. So guys, डबिंग वबिंग फिनिश करने के बाद मुझे जाना था एक वेडिंग में, मैंने एक वेडिंग को अटेंड किया और अब मैं आ गई हूँ घर जस्ट रिलैक्सिंग। और कल है मेरी फ्लाइट, कल 2-3 काम है, मुझे जाना है चंडीगढ़। अचानक से प्लान बनाया, तो आप मेरे साथ सफर करते रहिए और मिलिएगा मेरे चोचा जी, बीबी जी। कैसे हो चिकू? ये इतना समझदार है, जब हम लोग डिनर या लंच कभी भी खाना खाते हैं तो ये सामने से फेस करके ऐसे नहीं देखता है, इसको पता है दैट वी डोंट लाइक इट, ही हैज मैनर्स। तो अपना ना फेस पीछे करके ऐसे बैठ जाएगा, फिर देखिएगा खाना खा लिया हम लोगों ने, खाना खा लिया, और जैसे ही खाना हम लोग फिनिश कर लेते हैं तो सामने आके बैठ जाता है लाइक अ गुड बॉय, देन वी टेल हिम यू आर अ गुड बॉय। तो वेट करता है अपनी ट्रीट की, तो उसको पता है अच्छा बच्चा है। सो गाइज, आई एम श्योर आप मेरी जर्नी में शादी वादी आपने फुल ऑन एंजॉय किया, आप मेरी जर्नी में
ट्रैवल ही ट्रैवल लिखा है फिलहाल, इंजॉय करिएगा। कल मैं जा रही हूँ चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में जाते ही मेरा क्या प्लान है, अभी बहुत सारी चीज़ मैं एडवांस में आपको बता दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्लान अभी तक तो है बट वहां जाके क्या एग्जैक्ट वही प्लान चलने वाला है नो आइडिया। इसे देखो, हाय बडी, क्या बडी, कम अप। सो ये महाशय जी हैं जो ऊपर आना चाहते हैं, आओगे ऊपर। सो गाइज लेट्स मीट टुमारो, मैं कंटिन्यू रखूंगी अपना व्लॉग आप लोगों के लिए, कल का मेरा क्या प्लान है। ट्रैवल के अलावा भी कुछ है प्लान पर एडवांस में नहीं बताने वाली हूँ, वो मैं आपको सिर्फ दिखाने वाली हूँ। सो आई सी यू टुमारो, लव यू ऑल। तो आई थिंक मैंने अपना फिलहाल सारा प्लान कैंसिल किया है, सीधा पहले जा रही हूँ डॉक्टर के पास। एंड ये है मेरा बड्डू, इसके आई डोंट नो मुंह के अंदर से ब्लीडिंग हो रही, तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, आई थिंक डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। एंड लेट्स सी, फिर हम वापस सीधा मिलते हैं डॉक्टर के पास। ओके बाय। आई रीच द एयरपोर्ट, आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी इन चंडीगढ़, सर्दी का टाइम। Again, I'm shopping, but trying something new. I'll show you where I am. I am on the store, and I'm buying some skincare. उसके लिए मैं आपको आराम से किसी दिन अलग से vlog बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या skincare try किया, क्या मुझे suit करता है। And मैंने shopping कर ली है almost. अब मैं आ गई हूँ billing counter पर। हाँ जी। What is the bill? See you in the flight now. मैं पहुंच गई हूँ चंडीगढ़, एंड व्हाट एन अमेजिंग जर्नी, बॉम्बे से यहाँ तक हाफ। हाय वीवा, हाय, कैसे हो, कैसे लगे तुझे, तू बुला लिया मेरे को, बुला लिया ठंडी में, जल्दी जल्दी में। हाँ बहुत मजा आ रहा, मुझे फ्लाइट में ही ठंड लगनी शुरू हो गई थी। हाँ। बहुत मुझे लगा आ गया चंडीगढ़, अभी करेंगे शूट। हाँ अभी नहीं, अभी मतलब अब ये जो 7-8 दिन है इसमें शूट करेंगे, 4 दिन। 7-8 दिन है, और उस 7-8 दिन के लिए मैं सिर्फ 2 pair of clothes लाई हूँ, जो एक पहन के आई हूँ और एक लेके आई हूँ। पहली बार नए खरीद देगा बेबी, पता क्यों, बिकॉज मुझे पता था शूट का होना ही है शॉपिंग, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया। और बाकी और ऊपर से तुझे मन में लालच भी आया था कि लेके जाऊँ और मिल ही जाएगा। नहीं वो तो हमेशा कभी नहीं बना, हमेशा मैं जब भी यहाँ से जाती हूँ एक बैग भर के लेके आती हूँ, फिर खाली करती हूँ तो दूसरा लेके जाती हूँ। So finally, guys, let's have coffee with us. Deva, coffee? Yes. Let's have coffee. चलिए फिर आपको थोड़ी सी ठंड दिखाती हूँ कॉफी पीते वक्त। बाप चलो सीसीडी या बरिस्ता, कहाँ चले, सीसीडी। ओके अब आपके वाला फोन तो नहीं है मेरे पास, मैंने पहले ही कहा था कि बरिस्ता चलो, तुम फिर सीसीडी चली गए। लिसन क्या कह रही, मैंने कहा आपके वाला फोन नहीं है मेरे पास। यू आर अ रिच नाउ बिकॉज़ यू हैव फैंटास्टिक फोन, सिनेमैटिक फोन। Somebody is just having fun with the new phone. Yes. कहाँ से है फोन आपके पास? पहले यहाँ से कुछ ले लो। देवा देखो, आप हमेशा मेरे बर्थडे पे, I understand, एक दिन पहले, एक महीना पहले गिफ्ट कर देते हो, लेकिन फायदे में आप रहते हो क्योंकि आपके बर्थडे पे फोन लॉन्च हो चुका होता है। Yes. Hi. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. So let's eat something now. I'll speak to you later on. I'm hungry. Ha ha.
खाना खाए कैसा लग रहा है? हाँ, यही तो गाना आ रहा है खाने के बाद यही होता है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इधर अभी बहुत ज्यादा खाने वाली हूँ चंडीगढ़ की ठंड में। आगे नहीं आता ओहो कैसे कहूँ कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी। जैसे कोई दुआ कोई बात दुआ होगी। इस कार ओ सॉरी मैं किसी और की गाड़ी कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बाय मिस्टेक लाइफ में बहुत बार हुआ है। मेरी गाड़ी साथ में खड़ी है, सिमिलर कार है, तो मैं उस गाड़ी में जाके लिटरली बैठ गई हूँ। मेरे को लगा आप रेंज में आओगे। ओके सो गाइस ये है मेरा सफर। आई एम सिटिंग इन द कार। ये है मेरा सफर चंडीगढ़ तक का। आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलने वाली हूँ। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जा रहे हैं गौरव के पास। अभी हम जा रहे हैं स्टूडियो आगे के शूट की प्लान करने। आगे क्या करना है, कल क्या करना है, नो आइडिया। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेवा यू वांट टू से समथिंग टू माय पीपल? सो गाइस जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा जाकर प्लीज देखो, बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, युविका चौधरी के पेज को सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो बस। थैंक यू सो मच एंड अच्छे व्लॉग्स आएंगे अच्छे दिन आएंगे। आई नो बेबा अच्छे दिन आएंगे मतलब अच्छे व्लॉग्स आएंगे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। एक बार मैं कैमरा उठा लूं उसके बाद मैं आपको सिखा दूंगा व्लॉग कैसे बनाना है, ठीक है? यू आर राइट, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट ये फैक्ट है गाइस। आई एम सॉरी समटाइम्स कई बार बहुत बोरिंग भी हो जाता है, लेकिन आप लोग इतना प्यार करते हो ना, मुझे वही बहुत अच्छा लगता है। उसी की बदौलत मैं दोबारा कैमरा उठाती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन आई एम श्योर आपने शादी वादी के तो व्लॉग्स कितने एंजॉय किए होंगे ना, बहुत सारे। सीट बेल्ट पहनी हुई है, मैं भी पहनती हूँ। सो गाइस आई विल सी यू ऑल वेरी सून। आई एम प्रेस टू वी बोथ लव यू ऑल, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू, सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग।